नमस्कार, मैं हूँ शुभांगनी दुबे और टैलेंटेड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो बिना वक्त जाया किए आज के बजट सत्र में जो खास बिंदु हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। तो खास बिंदुओं में नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन को इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। ये छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स को पेंशन संबंधी फायदे देगी। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफायती आवास पर ब्याज दर कम की जाएंगी। सरकार ने आगे आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली बनाई गई है। आधार और पैन कार्ड अब इंटरचेंजेबल होंगे, यानी इन दोनों में से आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एजेंडा यानी सुधार प्रदर्शन और परिवर्तन एजेंडा अपनाया जाएगा। इस एजेंडे के तहत मुद्रा उज्ज्वला सौभाग्य को लाया गया है। राज्यों में स्टेट हाईवेज को प्राथमिकता देते हुए भारतमाला के दूसरे फेज को शुरू किया गया है। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े विमान बाजार को बढ़ावा दिया जाएगा। उड़ान के तहत अब तक 100 से ज्यादा हवाई अड्डों को कवर किया जा चुका है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट और सागरमाला योजना को बढ़ाया जाएगा। रेलवे में PPP मॉडल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 81 लाख घर दिए जा चुके हैं। 47 लाख का निर्माण शुरू किया जा चुका है और 26 लाख बनाए जा चुके हैं। निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनमें MSMEs को प्रोत्साहित किया जाएगा। महंगाई को रोकने के लिए विनिवेश और वित्तीय घाटे को टाइमली मॉनिटर किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि पैसा इस बजट में कहाँ कहाँ से आएगा। 20% ऋण दी गई कंपनी से, 9% नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 4% कस्टम से, 21% कॉरपोरेट टैक्स से, 19% GST से, 8% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 16% इनकम टैक्स से और 3% नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट से। अब ये पैसा खर्च कहाँ होगा ये जानिए। 23% राज्य द्वारा दिए गए टैक्सेस पर, 18% ब्याज दर, 13% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर, 7% फाइनेंस कमीशन पर, 5% पेंशन पर और 9% डिफेंस पर और 8% सब्सिडीज से लिया जाएगा। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर जोर दिया जा रहा है। हर घर बिजली को लाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ाया जाएगा और वहीं मनरेगा के बजट को भी बढ़ाया जाएगा। कृषकों का विकास किया जाएगा और जल जीवन योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल पहुँचाने की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं द्वारा विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और इस बजट से आगे आने वाले 10 सालों के लिए डिजिटल इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, मेक इन इंडिया, ब्लू इकोनॉमी, हेल्थ सोसाइटी और टीम इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ भारत जल्द विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। अगर आपको हमारा बजट स्पेशल पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो आप अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज भी हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबरों में इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।